हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि तुम शमरासुर के साथ गंभीरता से युद्ध नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा पुत्र, क्योंकि शमरासुर के पास कई शक्तियाँ और अस्त्र तो हैं ही, परंतु उसके पास एक अमोघ शस्त्र है जिसका नाम है मुद्गर। मुद्गर? पुत्र प्रद्युम्न, ये मुद्गर वो शस्त्र है जो शमरासुर ने आदिदेवी माता पार्वती से वरदान रूप में प्राप्त किया था, और यदि शमरासुर ने इस मुद्गर का प्रयोग युद्ध में तुम्हारे ऊपर किया तो उसे विफल करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है पुत्र। देवता, दानव और मानव, इन तीनों लोकों के लिए ये मुद्गर शस्त्र ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसी मुद्गर शस्त्र के कारण शमरासुर अजय बना हुआ है, क्योंकि इस मुद्गर का आदिदेवी माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से आविष्कार किया है, और इसी मुद्गर से देवी माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। माताश्री, तो फिर आप ही बताइए, शंबरासुर को परास्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है, हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। आओ पुत्र। हे आदि माता, हे शिवप्रिय देवी पार्वती, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। सर्वे सर्वेशे सर्वे
शक्ति समन्विते भयेभ्यस्ता हि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे दयामयी हे कल्याणी हे मात भगवती वरदानी इस रण में शिवजी धावे सुर नर मुनि जन गुण गावे ब्रह्मा हर शिवजी धावे सुर नर मुनि जन गुण गावे मांगे भगति अनुपायनी जय जय शैल सुजाता जय जगदम्बे जगत्राता जय वल्लभ।